सो हम आ चुके हैं गुजरात गैस के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर एंड आज हमको काफ़ी बड़ी गिरावट इसके अंदर देखने को मिली। तो क्या इमीडिएटली हमको इसके अंदर बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए? इस स्टॉक से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्यूरी होगी सारी क्यूरी सोल्व होने वाली है, और किस तरीके से आपको इसको ट्रेड करना चाहिए, क्या लॉजिक हो सकता है, सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। तो बिना टाइम के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाता हूँ जहाँ पर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, इसके अलावा बेस्ट स्टॉक जिनको आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर सकते हो एंड सारे ट्रेड का लॉजिक क्या, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। एंड डेफिनेटली कल जो मैंने जो आपको आपके लिए जो मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाया था जहाँ पर ऑलरेडी मैं गुजरात गैस को दे चुका था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था इसको सेल करना है, एंड डेफिनेटली आज जिन लोगों ने इसमें सेल किया होगा काफ़ी अच्छा पैसा आप लोगों का बना होगा डेफिनेटली। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, अब किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और इसका लॉजिक क्या और अभी इसके अंदर चल क्या रहा है, सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बड़े टाइम फ्रेम पर देख लेता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पर, इसमें ओवरऑल हमको क्या देखने को मिल रहा है। अगर मंथली टाइम फ्रेम पर देखेंगे पिछले दो मंथ का जो लो लेवल था, ठीक है, तीन मंथ में जो प्राइस ने लो लगाया, तो फाइनली आज हमको एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ठीक है, 480 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, प्राइस इसको ब्रेक कर चुकी है और उसके नीचे अभी आज के डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग दे चुकी है। तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट हमको देखने को मिल रहा है। इससे पहले अगर मेजर ट्रेंड देखें, जब से इसका आईपीओ लिस्ट हुआ है 2015 के बाद से देखोगे तो कंटिन्यूसली मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ गया, इतना कभी भी गिरता हुआ हमको आज तक ये स्टॉक नहीं देखने को मिला है। एंड पिछले कुछ महीनों से देखोगे यानी कि अगस्त 2021 के बाद से देखोगे तो कंटिन्यूसली स्टॉक में गिरावट हमको देखने को मिल रही है, प्राइस स्लो एंड स्टेडी नीचे की तरफ आ रही है। तो हमारे लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंटीमेंट इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल मंथली टाइम फ्रेम पर देख सकते हो कि प्राइस किस तरीके से गिर रही है। चलिए अभी हम देख लेते हैं इसमें वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेता हूँ, वहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमको इसमें प्राइस एक्शन बन रहा है। देखो सबसे पहले मंथ लॉन्ग टर्म में देखोगे तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, क्योंकि प्राइस लॉन्ग टर्म में देखो हमेशा ऊपर की तरफ मूव करती गई। लेकिन एक चीज़ आपको समझना है कि प्राइस हमेशा इसी तरीके से ट्रेड नहीं करती, इसी तरीके से हमेशा ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, अभी देख सकते हो 2021 में जो टॉप लगा है उसके बाद का सिर्फ प्राइस एक्शन आप नोटिस करो, प्राइस एक्शन आप देखोगे तो हमेशा एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, और सेलर्स को देखोगे तो प्राइस जो कंटिन्यूसली वो नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। तो इस तरीके से प्राइस अभी नीचे के एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है। तो आपको पता है कि डाउन ट्रेंड के अंदर आप बाय करोगे तो डेफिनेटली आपका लॉस हमेशा इजीली तरीके से हो सकता है। तो जो लोग अभी इसमें फ्रेश बाइंग की सोच रहे हैं डेफिनेटली उनको बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिरते हुए स्टॉक के अंदर बाय करोगे तो डेफिनेटली हमारा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या क्या है वो सारी चीजें हम देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक ट्रेंड अगर आप देखोगे इसका ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है, ट्रेंड अगर देखोगे तो प्राइस जो एक चैनल के बीच में ट्रेड कर रही जहां पर ऊपर में रेजिस्टेंस फेस करती है एंड नीचे में प्राइस समवेयर अराउंड इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेती है। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर लेता हूं यहां पर, एंड इस तरीके से देख सकते हो प्राइस एक लो बनाती जा रही है। ठीक है, जहां पर एक इंपॉर्टेंट लेवल को प्राइस ने आज से 3 महीने के जो एक इसने लो सपोर्ट ले रखा था 480 का सपोर्ट, उसको फाइनली प्राइस आज ब्रेक करके नीचे की तरफ आ चुकी है। तो एक बड़ा सेलअप हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओवरऑल देखोगे प्राइस में एक रिट्रेसमेंट पीरियड चल रहा है, क्योंकि हमेशा प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, कभी ना कभी उसको नीचे आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आप देखोगे तो प्राइस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आती जा रही है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, चलिए अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट लगा लेते हैं एंड अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, हमको बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। देखो ज़्यादातर टाइम अगर अभी के टाइम के हिसाब से देखें तो आप अगर इसको जितना सेल करोगे उतना ज़्यादा अच्छा पैसा आप इससे कमा सकते हो, लेकिन अगर बाय करना चाहते हो और एज ए स्विंग ट्रेडर ऐसे बायर अगर हम देखें फॉर द लॉन्ग टर्म, तो आपको एक चीज़ समझना है कि जब भी प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही होती तभी हमको उसको बाय के लिए प्लान करना चाहिए, लेकिन अभी मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो नीचे जब गिरते हुए मार्केट के अंदर हम बाय करेंगे तो ज़्यादातर टाइम हमारा लॉस हो सकता है। अभी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था वो था समवेयर अराउंड 480 का लेवल, ठीक है, जो कि आज फाइनली ब्रेक कर चुकी है प्राइस एंड उसके नीचे आज डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग दे चुकी है। तो अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या क्या है वो सारे लेवल्स मैं मार्क कर देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी चीज़ें समझने में आसानी होगी। एक सपोर्ट लेवल है 430 का लेवल, 432 है, तो राउंड लेवल नंबर हम 430 ले सकते हैं। यहाँ पर 430 का लेवल एक सपोर्ट लेवल है, तो वहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले सकती है एंड अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो होगा समवेयर अराउंड 800 का लेवल, ठीक है, 496 हो गया या सॉरी 396 होगा, तो यहाँ पर राउंड लेवल नंबर 400 है, तो 400 तक प्राइस ईजिली आ सकती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। एंड एक चीज़ आपको देखना है कि जब भी हम डाउन ट्रेंड के अंदर सपोर्ट को फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा वो सपोर्ट ब्रेक हो जाते हैं और हमारा जो नुकसान हो जाता है। तो अभी जो लोग इसमें
बाय करने की सोच रहे, डेफिनेटली आपको अभी इसमें बाय नहीं करना है। ये लेवल्स मैं जरूर दे चुका हूँ, जब तक कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी अगेन, यानी कि 480 के ऊपर अगर एक दो दिन में प्राइस 480 के ऊपर चली जाती है तो उसके बाद हम इसमें बाय कर सकते हैं। 480 का लेवल क्रॉस करने के बाद हम बाय कर सकते हैं, उससे पहले हमको बाय नहीं करना है, ठीक है। और मेजर ब्रेकआउट इसके अंदर कब होगा, जब तक कि प्राइस इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगी, यानी कि 580 का लेवल जब तक प्राइस क्रॉस नहीं करेगी तब तक हमको बड़ी तेज़ी इसके अंदर नहीं देखने को मिल सकती, क्योंकि मेजर ट्रेंड अभी नेगेटिव चल रहा है, तो इंपॉर्टेंट लेवल दे चुका हूँ, तो अभी आप गलती से बाय मत करना, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो और कितना मार्केट गिरेगा किसी को नहीं पता, लेकिन काफ़ी अच्छी सेलिंग हो सकती है। एंड थोड़ा बहुत प्राइस नीचे आने के बाद थोड़ा वेट करेगी, फिर स्लो एंड स्टडी कुछ टाइम तक इस यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा इस तरीके से साइडवेज हो जाएगी, फिर उसके बाद अगेन मोमेंटम ऊपर या नीचे की तरफ हो सकता है। तो फिलहाल आपको वेट करना, जब तक कि 480 का लेवल क्रॉस नहीं करे तब तक हम बाय के लिए प्लान अभी नहीं कर सकते। सेल के लिए अगर आपको ट्रेड मिलता है, इंट्राडे के अंदर ट्रेड करते हो या फिर शॉर्ट करना चाहते हो, तो शॉर्ट डेफिनेटली आप कर सकते हो, ठीक है। आज पे कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट लेवल में ऑलरेडी दे चुका हूं, तो चलिए ठीक है। इस वीडियो में क्या क्या आपको सही लगा वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, एंड कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं आपका सॉल्व करूंगा, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, इंट्राडे ट्रेड में आपको डेली देता हूं, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हो। मैं डेली आपके लिए बेस्ट स्टॉक बताता हूं, ये मैंने कल दिया था और काफी अच्छा मोमेंटम आज हमको इसके अंदर देखने को मिला है, ठीक है। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।